हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो होटल से शुरू कर रहा हूँ। होटल में आके ही पहले ऑर्डर आया 60 ml ऑन द रॉक्स अपना बकाडी वाइट रम का 460 का ऑर्डर आया, तो मैं होटल में ही आके बिजी हो गया। आज का जो वीडियो होगा वो होटल से ही शुरू होगा, और होटल से शुरू होने के बाद अपना लास्ट में एक खाने का भी बहुत अच्छा एक रेसिपी दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए पहले 60 ml ऑन द रॉक्स बकाडी वाइट रम दे देते गेस्ट को। पहले ग्लास में ढेर सारा आइस ले लेंगे, फुल ग्लास आइस रहेगा, और 60 ml लेंगे बकाडी वाइट रम। 60 ml बकाडी वाइट रम चारों ग्लास में डाल लेंगे 60 ml। बहुत मज़ा आते हैं ऑन द रॉक्स पीने के लिए, कोई भी ड्रिंक ऑन द रॉक्स पीने में तो मज़ा ही अलग है। ड्रिंक का ओरिजिनल टेस्ट मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है पीने में। और फ्लेवर के लिए एक एक लेमन स्लाइस डाल देंगे इसमें, बकाडी वाइट रम का ऑन द रॉक्स में एक एक स्लाइस डाल देंगे फ्रेश लेमन, जो फ्लेवर आए बस थोड़ा फ्लेवर के लिए डालेंगे। बहुत मज़ा आएगा ये पैक पीने के लिए, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा। 60 ml बकाडी वाइट रम और एक एक फ्रेश लेमन डाल देंगे स्लाइस, बहुत ज़बरदस्त। आप लोग घर पे आराम से ट्राई कर सकते हैं ऐसा ड्रिंक, बहुत मज़ा आएगा पीने के लिए। बस एक एक स्लाइस काट लिए, एक फ्रेश लेमन ले लिए और एक एक स्लाइस काट लिए, और उसमें डाल देंगे। फिर ये ऑर्डर जाने के बाद फिर देखते गेस्ट रिपीट करता है क्या नहीं। चलिए चीयर्स, बहुत मज़ा आएगा पीने के लिए। गेस्ट को दे दिए ये अभी फिर ये पैक देने के बाद और एक 60 का ऑर्डर आया फिर, लेकिन उसमें लेमन नहीं डालने का, तो हमने थोड़ा आइस स्टाइल से डाले, बहुत स्टाइल से एक आइस तो डाल लिए, सेकेंड आइस डालने गया है तो हाथ में लग गया, मज़ा नहीं आया। चलो ट्राई करते रहेंगे तो सीख जाएंगे। ये भी गया बाहर गया लेकिन ये बाहर जाने नहीं देंगे, पक्का ग्लास में डाल लेंगे। आ गया ग्लास में, बहुत ज़बरदस्त आ गया। और एक ले लेते आइस क्यूब, ये भी आ गया, और एक ले लेते, देखते आते क्या नहीं। ये भी आ गया छोटा सा। चलिए 60 ml बकाडी दे देते, अभी पैक मेजर का ज़रूरत नहीं है मेरे को। ये हो गया हमारा 60 ml। उसके बाद आज का रील्स के लिए हमने कॉकटेल बनाया बकाडी में। आज का रील्स में जो वीडियो डाला हूँ मैं, आप लोग देख लेना, वो कॉकटेल भी बहुत बढ़िया है रील्स में डाला। फिर अभी एक खाने का रेसिपी देते, ये है कांठाल। कांठाल तो आप लोग जानते होंगे, और ये इसका मसाला ऑनियन ग्रीन चिल्ली टोमेटो पेस्ट। मेरे घर में तो मिक्सर नहीं है, हम दो जन रहते मुंबई में, तो हमें मिक्सर की ज़रूरत नहीं है। हमारा वाइफ उसको वो घिसने वाले से घिस के सब पेस्ट कर लेते कांठाल का। कांठाल को बॉयल करने के बाद ऐसा कोफ्ता टाइप बनाने का, उसमें धनिया पाउडर जीरा पाउडर ये सब डाल के, मिर्ची विर्ची डाल के ऐसा एक कोफ्ता टाइप का बनाने का, बहुत मज़ा आता है। कोफ्ता ऐसे भी फ्राई खाने में भी बहुत मज़ा आता है। फिर एक कोफ्ता बन के रेडी, अपना कोफ्ता का जो मतलब ये बॉल से वो रेडी हो गया। फिर ये कड़ी बनाने के लिए देखिए, जीरा मिर्ची कड़ी पत्ता तेज़पत्ता ये सब डाल के तेल में ऑयल में इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो है थोड़ा ऑनियन डाल देंगे, अपना ऑनियन का पापड़ी टाइप में ऑनियन डाल देंगे। फिर उसमें डालेंगे इसको थोड़ा हल्का फ्राई होने देंगे। हल्का हल्का फ्राई होने के बाद ये वाइफ बना रहा था, मैं तो वीडियो निकाल रहा था। बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। और ये ऑनियन, इसके बाद ये पिसा हुआ ऑनियन थोड़ा डालने का, उसको भी थोड़ा डालने का, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पिसा हुआ ऑनियन डाला, उसको अच्छा से उसको भी फ्राई करने का। फिर टोमेटो पेस्ट और ग्रीन चिल्ली को थोड़ा पीस के डालिए। फिर वो उसको थोड़ा भुनने के बाद थोड़ा दही डाल देंगे, और जीरा मसाला रेड चिल्ली पाउडर ये सब डाल के दही डाल के उसको थोड़ा घुमाएंगे, तो बहुत मज़ा आता है। फिर वो मसाला को पकाएंगे अच्छा से,
एक दो तीन मिनट पकाने के बाद देखिए कितना खूबसूरत दिख रहे हैं। फिर इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी डाल के हल्का बॉयल कर लेंगे। फिर उसमें डालेंगे धनिया, फ्रेश धनिया, फ्रेश चॉप धनिया डालेंगे। उसके बाद देखिए ये बॉयल्ड हो रहा है, और वो जो बड़ा डाला था हमने, बॉल्स डाले थे, वो भी ग्रेवी ऑब्जर्व करता है अपने अंदर, तो बहुत टेस्टी हो जाते हैं। चलिए अभी ये बन के रेडी हो गया, अभी हम खाना खा लेते हैं। आज खाने में ये देखिए बहुत मज़ा आया मेरे को तो खाने में। चलिए वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, कल फिर मिलते हैं।